भाई साहब किंग खान की मूवी 1000 करोड़ कमाती है और प्रभास की मतलब 1000 करोड़ डुबाने में कोई कसर नहीं छोड़ते आप। शाहरुख खान साल में 3 हिट देने को तैयार बैठे रहते हैं और प्रभास भैया आप साल में 3 फ्लॉप देने को 3 क्या 4 भी कर देते हो कभी कभी तो आप। प्रभास भैया शाहरुख खान से पंगा लेना शायद इस बार आपको थोड़ा भारी पड़ सकता है। हाय गाइस, मैं हूं सुहानी और आप देख रहे हो फिल्मी जाट गर्ल। भाई साहब सोशल मीडिया पे आग लगी हुई थी, इस आग को ताऊ जी भी बुझाने में नाकामयाब रहे। ताऊ जी भी कंफ्यूज हो गए कि डंकी का क्लैश होगा या फिर नहीं होगा, कभी कह रहे थे कि पोस्टपोन्ड हो गई, कभी कह रहे थे कि नहीं होगी। इन सारी बातों पर पूर्ण विराम लगा दिया है शाहरुख खान साहब ने, आकर बताया कि भाई साहब मेरी मूवी 22 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, हमें यही डेट दी गई थी पहले, तो उसी दिन को रिलीज होगी और तो आपके लिए तोहफा भी लेकर आए हैं। नवंबर 2 को इसका एक टीजर भी रिलीज किया जाएगा और डंकी और सालार का क्लैश होगा, किसको फायदा हुआ किसको नुकसान, सारी बातें आज के इस वीडियो में करेंगे, तो वीडियो को शुरू करते हैं। अच्छा एक बात बताती हूँ आपको, साउथ और नॉर्थ के फैंस के बीच में ना भयंकर युद्ध छिड़ा पड़ा है सोशल मीडिया पर। मतलब इतनी नेगेटिविटी फैला दी है, इतनी नेगेटिविटी कि हमारे बाहुबली भैया उनको इन सब से छुटकारा पाने के लिए अपना इंस्टाग्राम अकाउंट तक डिलीट करना पड़ा। यार ऐसा नहीं करना चाहिए कभी किसी के साथ। देखो भाई साहब ये हेट बढ़ा एक इंसान के ट्वीट से, उन्होंने ट्वीट कर दिया कि डंकी जो है पोस्टपोन हो गई है। उसके बाद शाहरुख खान के फैंस नाराज हो गए, कहने लगे कि हमें तो उसी दिन मूवी चाहिए जिस दिन हमें डेट दी गई थी, हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। वहीं प्रभास के फैंस कहने लग गए कि भाई साहब डंकी के जो हीरो हैं शाहरुख खान साहब वो डर गए हैं। लेकिन इन सबके बीच आपने सोचा कि फायदा किसका हुआ? मूवी के मेकर्स का। यार फ्री में उनकी पब्लिसिटी हो गई, अब जिन लोगों को नहीं पता था कि मूवी आने वाली है उनको भी पता चल गया कि ये दोनों मूवी एक ही दिन रिलीज होने वाली है। फ्री में मिली चीज को कौन मना करता है यार। भाई साहब मुझे और ताऊ जी को ऐसा लगता है कि ये पूरा का पूरा एक पीआर स्टंट था। मतलब अब दूर गांव के बैठे बच्चों को भी पता है कि डंकी और सालार आने वाली है और इन दोनों में से वो एक मूवी देखने जाने वाले हैं। हो सकता है कि पैसे ज्यादा हो तो दोनों भी देखा है। बाकी एक बात और बता देती हूँ, एक्सपर्ट्स का कहना है कि डंकी प्रभास पर काफी ज्यादा भारी पड़ने वाली है और कुल मिलाकर इन दोनों फिल्मों को 15-20% का नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ सकता है। भाई साहब नील रुशांत सिंह को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसमें ना एक अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस है। मतलब डंकी से अपना क्लैश रोकने की बजाय वो इस चीज को बढ़ावा दे रहा है। इस हिसाब से मुझे लगता है कि उन्हें सालार से काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। तो भाई जिन फिल्मों को लेकर इतना बड़ा बवाल मचा हुआ उनके बारे में भी थोड़ा सा बता देती हूँ। आपको बता दूं कि शाहरुख खान इसमें तापसी पन्नू के साथ पहली बार नजर आने वाले हैं और पहली बार ही वो राजकुमार हिरानी के डायरेक्शन में भी काम करने वाले हैं। बहुत लंबे टाइम से इंतजार कर रहे थे राजकुमार हिरानी, जिन्होंने हमें मुन्ना भाई, MBBS, 3 इडियट्स और संजू जैसी फिल्में दी है। बहुत ही बढ़िया फिल्में इन्होंने दी हैं, आज तक इनकी कोई भी मूवी फ्लॉप नहीं गई है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहरुख खान फिलहाल कितना कॉन्फिडेंस फील कर रहे होंगे। वहीं सालार के बारे में बात करूं तो इनके डायरेक्टर वही हैं जिन्होंने KGF डायरेक्ट की थी, प्रशांत नील। इसलिए मुझे लगता है कि प्रशांत कुछ ज्यादा ही ओवर एक्साइटेड है, ओवर कॉन्फिडेंस है अपनी मूवी को लेकर कि KGF हिट हो गई तो हम इसको भी हिट करा सकते हैं। वैसे ये मूवी को लेकर कुछ खास अपडेट नहीं है और 28 सितंबर को ये रिलीज होने वाली थी। अब पता नहीं यार इनको क्या ही हो गया जो इन्होंने इसकी डेट एक्सटेंड करके 22 दिसंबर कर दी है। शाहरुख खान की मूवी जिस दिन रिलीज होने वाली है, इस मूवी में श्रुति हसन इनके साथ होने वाली है। सिर्फ एक पोस्टर रिलीज किया जिसमें हमारे बाहुबली भैया कोयले की खदान से निकले हुए बाहर बिल्कुल काले काले नजर आ रहे हैं, ये वाला पोस्टर। तो भाई साहब अब सिर्फ इंतजार है 22 दिसंबर का, क्योंकि उसी दिन ये दोनों मूवी रिलीज होने वाली है। PVR मल्टीप्लेक्स हर जगह पे आपको देखने को मिलेगी। अब लियो तो है नहीं कि आपको सिंगल स्क्रीन में देखने को मिलेगी सिर्फ। बाकी बस लास्ट में यही कहना है कि क्लैश होगा लेकिन हमारे लिए एंटरटेनमेंट का तड़का लगेगा, साल का सबसे बड़ा क्लैश देखना तो बनता ही है यार। बाकी इस वीडियो को प्यार दीजिएगा और डंकी बिल्कुल भी पोस्टपोन नहीं हो रही है, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा। अब चलते हैं यहाँ से, मेरे ये चैनल फिल्मी जाट गर्ल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। आप सभी को मेरा प्यार भरा राम राम।